एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? हैप्पी रक्षाबंधन। तो आज है रक्षाबंधन का त्यौहार और आज हम बनाने वाले हैं बच्चों के लिए बहुत ही टेस्टी चॉकलेट की बर्फी। इसमें ना तो हम चॉकलेट का यूज़ करने वाले हैं और ना ही चीनी डालने वाले हैं। बिना चीनी और बिना चॉकलेट के हम बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाने वाले हैं, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, तो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे 1 कप मिल्क पाउडर। यहाँ पे कोई सी भी कंपनी का आप ले सकते हो। एक बाउल ले लेंगे, उसमें डालेंगे हम 1 कप मिल्क पाउडर। तो मैंने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लिया, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 1/2 कप हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसमें लम्स नहीं आने चाहिए, लम्स वैसे भी नहीं आएंगे क्योंकि दूध में जो मिल्क पाउडर है काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब आपको क्या करना है, इसे कुक करना है। तो चलिए, ये हमारा रेडी है, अब हम इसे कुक कर लेते हैं। तो अब हम एक पैन को गरम करने रखेंगे। इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच घी। बर्फी को हमेशा घी में बनाइए, जो भी मिठाई है घी में बनाइए, बहुत टेस्टी बनती है। अब हमने जो मिक्सचर बना के तैयार किया था उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो डालने के बाद आपको लगातार इसको चलाना है थोड़ी देर के लिए। जब आप इसे डालोगे ना, तो आपका घी और जो मिश्रण है दोनों अलग रहेगा। जब आप इसे अच्छे से कुक करोगे तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें 1/2 कप कोकोनट पाउडर ऐड करूँगी, यानी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इससे ना काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है और जो आपकी बर्फी है ना काफ़ी खिली खिली बनती है, आप इसे बहुत इजीली ब्रेक कर पाते हैं। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए और थोड़ा गाढ़ा होने तक इसे पका लेंगे। तो अब हम इसमें मिक्स करेंगे कोको पाउडर। तो मैंने 1/4 कप कोको पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, ये दोनों जो हैं कलर अभी अलग अलग दिख रहा है, एक वाइट दिख रहा है, एक ब्राउन दिख रहा है। जब आप इसे काफ़ी अच्छे से मिक्स करोगे तो एकदम डार्क चॉकलेट कलर का हो जाएगा और ये पैन को अपने आप छोड़ देगा। इस तरीके से आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ही कुक हो रहा है। जब ये हल्का हल्का गाढ़ा हो जाएगा तो ये अपने आप ही पैन को छोड़ने लग जाता है, यानी कि एक मिश्रण तैयार हो जाता है बर्फी वाला। तो अभी यहाँ पर रेडी है, इसे निकाल लेते हैं बाहर। तो अब हमें एक बर्तन ले लेना है जिसमें आप अपनी बर्फी को सेट करना चाहते हैं। तो मैंने इस तरीके का मोल्ड लिया है, इसमें पेपर लगा दिया है। अब हम इस पेपर को घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि आपकी बर्फी बहुत इजीली बाहर निकल आए। अब जो मिश्रण था उसमें डाल दीजिए और इसे अच्छे से सेट कर दीजिए। इस तरीके से बहुत आराम से सेट हो जाएगा। अब हम इसमें गार्निशिंग करेंगे थोड़ी सी पिस्ता की। आप चाहो तो काजू या बादाम की भी इसमें गार्निशिंग कर सकते हैं। स्पैचुला की हेल्प से हल्का सा दबा दीजिए ताकि ड्राई फ्रूट्स थोड़े अंदर चले जाएं और इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा है। 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में से निकालेंगे तो ये देखिए, बर्फी काफ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है। सिर्फ 10 मिनट में ये सेट हो जाएगी, इससे ज़्यादा टाइम से नहीं चाहिए। तो अब आपको इसे बाहर निकालना है। अब हम इसे कट कर लेते हैं इस तरीके से। तो मैंने सेंटर में से इसे कट किया है। मैं इसे लंबे लंबे पीसेस में कट कर रही हूँ। आप चाहो तो स्क्वायर शेप में भी इसे कट कर सकते हैं या अपनी मर्जी से इसे शेप दे सकते हैं। इस तरीके से निकाल देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से पीसेस हो गए हैं इसके। अब हम इसे प्लेट में सजा लेते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी और सॉफ्ट बर्फी यहाँ पे बन करके तैयार हो चुकी है। चॉकलेट की बहुत ही टेस्टी बर्फी है। पिस्ता के साथ अब इसे गार्निश कर दीजिए। और ये देखिए, हमारी बर्फी बन करके बिल्कुल तैयार है। मैं आपको इसे ब्रेक करके भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए, चलिए इसे पहले ब्रेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने आराम से ये ब्रेक हो रही है। काफ़ी अच्छी बर्फी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। चॉकलेट खाना बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप चॉकलेट की बर्फी बना के दोगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमारी चॉकलेट की बर्फी बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।